हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं या आपके पास छोटी सी बालकोनी है और आपको पॉट्स का, फ्लावर्स का शौक है, तो आप और कंपोस्ट भी आप घर पे ही बनाना चाहते हैं, चाहे आप जितनी मर्ज़ी ऑनलाइन मंगवा लो, आप घर के वेस्ट से बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं बिल्कुल एक छोटा सा तरीका बताऊँगी कि आप पॉट्स में ही कैसे अपनी कंपोस्ट वेस्ट मटेरियल से, किचन वेस्ट से आप कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, और वो बहुत ही अच्छी कंपोस्ट बनेगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान लिया है। इसमें आप थोड़ा सा सामान कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जो मैंने सामान लिया है, वेस्ट सामान है, तो उसको मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कागज़ के टुकड़े, अखबार के छोटे छोटे टुकड़े पीसेस किए हुए हैं। ये नीम की निम्बोली है, बरकैन या नीम की निम्बोली ले सकते हैं, उसकी टहनी भी ले सकते हैं आप। इससे क्या होगा कि आपका जो कंपोस्ट है वो साथ में पेस्टिसाइड दवाई का भी एक काम करेगा प्लांट्स के लिए। तो इसको आप, मैं जो भी सामान आपका बताऊंगी वो आप ऑप्शनल भी रख सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है कुछ चीज़ें, तो आप, ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ें आपने डालनी है। वैसे मैंने, और ये मेरे पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के छिलके हैं, जिनको मैं बारीक काट लूँगी, क्योंकि मैं इस बोतल में भरूँगी। तो ये बड़ी बोतल मेरे काम आएगी बड़े पॉट के लिए, और एक में मैं छोटे बोतल में भी भर के खाद बनाऊँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी बोतल्स में खाद बनाई हुई है। और सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा पॉट लें, छोटा मटका ले लें, उसमें होल कर लें। आप देखेंगे ये होल किए हुए हैं, आप होल कर लें। होल करने से ऐसे होगा कि हमारी जो भी हम वेस्ट डालते हैं उसमें एयर वेंटिलेशन होता रहेगा, और हमारी कंपोस्ट बहुत जल्दी बनेगी और अच्छी बनेगी। अब मैं आपको सामान दिखा रही थी, उसमें सामान में मैंने क्या लिया है, ये बनाना पील जो मैं भिगो के रखती हूँ, मैंने अपनी कई वीडियो में भी बताया, मैं इसको बना के रखती हूँ, ये भी मैं थोड़ा सा डालूँगी। ये आंवले का पानी है, जो हमारा आंवला, सूखा आंवला होता है, उसको मैंने बॉटल्स में बनाया हुआ है। ये गोमूत्र, गोमूत्र आप अगर कहीं शहरों में रहते हैं, हमारे तो यहाँ गांव का काम है, अगर आप शहरों में रहते हैं तो आप इस बोतल को मंगवा सकते हैं गौशाला से। तो ये होगा कि आप इसको एक साल, दो साल, कितने साल तक गंगा जल की तरह रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होगा। ये गाय का डीकम्पोस्ट किया हुआ गोबर, गाय का जो डीकम्पोस्ट खाद है, उसको मैंने पानी में भिगो दिया था, वो भी मैं पानी के स्थान पे यूज़ करूँगी। ये वुड ऐश जो है हमारी, जो काउडंक है, वो भी हमारा खाद का काम करेगा। और ये वुड ऐश, जिसमें कैल्शियम पोटाशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और इसमें कार्बन, कोयला है, कोयले में कार्बन की मात्रा होती है, जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सूखा हुआ, फिर काउडंक आ गया, ये हमारा पानी और ये काउडंक, और ये सॉइल है कि मैं थोड़ी थोड़ी सॉइल इसमें डाल दूँगी। वेस्ट डालने के बाद इसमें एक लेयर सॉइल की डाल दूंगी, बाकी मेरे पास सूखा सामान जैसे वुड ऐश है और ये काऊ डंक है, इसकी भी मैं लेयर्स बनाऊंगी। एक मैं आपको और दिखा देती हूँ, ये दाल का पानी, जैसे मूंग की दाल है, मोठ की दाल है, जो भी दालें हैं, उसका पानी भी आप वेस्ट मत फेंका करें, उसको भी आप कंपोस्ट में या पॉट्स में पानी देने के काम ले सकते हैं। इसमें भी बहुत से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि हमारी कंपोस्ट के लिए बहुत हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये दही का पानी, बिल्कुल हल्का पानी है, इसमें कैल्शियम, सभी को पता है कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। एग के छिलके भी मैं डाल दूँगी, अगर आप खाते हैं तो आप ज़रूर डाल दें। और ये सूखे पत्ते, इसमें सूखे पत्तों में कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक मैं और दिखा रही हूँ, ये मैं मोरिंगा के पत्ते तोड़ के लेके आई हूँ, मोरिंगा ट्री, और नीम के पत्ते, इनमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो हमारे प्लांट्स के लिए, हमारी रूट्स को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। NPK हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारी इस सारे वेस्ट मटेरियल में NPK की मात्रा, कैल्शियम, पोटाशियम, इन सब की मात्रा, कार्बन, इन सब की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में है।
और एक ये है कि आप अगर मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन एयर वेंटिलेशन का अपना ही एक कारक होता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने कैसे बोतल में बनाना है। अगर आपके पास नहीं मिट्टी का बर्तन तो आप इस बोतल में भी बना सकते हैं। इसको हम काट लेंगे कटर से, आप छिलकों को जितना हो सकता है उतना बारीक काट लें, क्योंकि हमारे जो बोतल है वो कोई काफ़ी बड़ी नहीं है। वैसे मैं गड्ढे में तैयार करती हूँ मेरे किचन गार्डन में, तो वहाँ पे तो सभी कुछ चलता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल बारीक काट के इसको भर लिया बर्तन को। और मैं अब आपको बोतल दिखाती हूँ मैंने कैसे तैयार की है। इस बोतल्स में मैंने होल कर लिए हैं, और जैसे मैंने मिट्टी के बर्तन में होल किए हुए हैं, और इसी तरह से मैंने इसमें छोटी बोतल में भी होल कर लिए। और एक में आप बोतल को इस तरह से काट लिया है, ऐसे कट करके मैंने इसमें होल कर लिए, इसमें भी होल कर लिए कि मैं इसमें छोटा सकुलेंट प्लांट लगा सकूं। और एक बात मैं यहाँ पे अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगी कि जितना भी आपके पास किचन वेस्ट है उसमें आप एक तो पका हुआ, जैसे हम किचन में कुक कर देते हैं वो कुक किया हुआ वेस्ट चीज़ नहीं डालनी आपने। दूसरा इसमें मिर्ची चिल्ली नहीं डालनी, चिल्ली हुई या सॉस हुई या शुगर हुई ये आपने नहीं डालना। अब बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में या किसी भी मौसम में हमारे यहाँ केंचुए हो जाते हैं कि इस वेस्ट मटेरियल में, क्यों ये काउडंक होगा और सॉयल होगी उसमें केंचुआ होना नॉर्मल बात है, तो वो केंचुआ चिल्ली या सॉल्ट को नहीं खाता, वो मर जाता है। अगर उसके ऊपर आप नमक भी डालें तो वो वहीं पर मर जाएगा, तो इसलिए आप इसमें वेस्ट में आप चिल्ली और शुगर सॉस और पका हुआ कुक किया हुआ वेस्ट ना डालें, वैसे ही सादा वेस्ट डालें। अब मैं इस बोतल को भरना दिखाऊंगी आपको, आपने कैसे भरना है इसको। सबसे पहले आप एक दो कागज़ की लेयर्स लगा दें, अखबार के आप टुकड़े काट लें बारीक बारीक, और एक बार तो आपको ये लगेगा कि आपका वेस्ट बहुत ज़्यादा भर गया, पर ये एक या दो दिन में बिल्कुल नीचे चला जाता है। बस ये लेयर्स बना के इसमें मैं वुड ऐश डाल रही हूँ, ये काउ डंक है, और जो ये लिक्विड है मेरे पास आंवले का पानी, गोमूत्र, गो यूरिन, काउ डंग का पानी और ये बनाना पील, ये सब चीज़ें मैं बाद में लास्ट में डालूँगी, क्योंकि ये हमारा निकल जाएगा पानी इनके होल से। ये नीम की निबोली, फिर एक लेयर आप फिर वेस्ट की डाल दें, और आप देखेंगे कि फिर भी इसमें बोतल में हमारा काफ़ी वेस्ट चला जाएगा। ये ग्रीन लीव्स, ये सूखे लीव्स हैं, इनको आप क्रश करके डाल दें, जितने आप सारे सामान को जितना आप क्रश कर सकते हैं उतना क्रश करके डालेंगे तो आपका जो ये कंपोस्ट है वो बहुत जल्दी बनेगा। इन बोटल्स को मैंने दबा दबा के एक एक लेयर बना के भर के भर दिया है इनको, एक लेयर सॉयल की, वेस्ट की, और नीम की निम्बोली, गीले और सूखे पत्ते, और इस तरह से मैंने ये मिट्टी के बर्तन भी भर लिए हैं, छोटी बोतल भी भर लिया। अब मैं इनमें जो लिक्विड डालूँगी वो थोड़ा थोड़ा डालूँगी इसमें पोट में रखने के बाद। इसमें आप दाल का पानी, दही का पानी और जो भी लिक्विड है वो आप थोड़ा थोड़ी मात्रा में इसमें डाल दें। हाँ, आपके पास अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें सादा पानी डाल सकते हैं।
ये काउडंग का पानी है, अपील जो कि काफ़ी डार्क कलर का हो चुका है क्योंकि मेरे लंबे समय तक ये पड़ा है बनाना पील। आपने जब सॉयल की लेयर्स डाली हुई हैं तो इसमें कोई भी स्मेल नहीं आएगी। अगर आप लास्ट में डालना चाहें तो गोमूत्र गो यूरिन आप डाल दें। इससे एक फ़ायदा ये है कि हमारे यहाँ मक्खी मच्छर नहीं आएगा, सबसे बेस्ट तरीका। दूसरा ये है कि हमारी जो ये कंपोस्ट खाद बनेगी ये बहुत ही अच्छी बनेगी। ये मैं आपको 5 दिन के बाद दिखा रही हूँ कि इस बोतल ने हमारा क्या रिजल्ट दिखाया है। और जो मेरी ये बोतल की कटिंग थी उसमें मैंने अजवाइन लगा दी थी, उसकी भी आप ग्रोथ देख रहे हैं। और इस बोतल की कटिंग में मैंने मोस रोज लगाया था और यही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाल के। इसमें आप देख रहे हैं ये मैंने जेड प्लांट लगाया, इसकी रूट्स अब बहुत नीचे तक आ गई हैं। और इसका भी मैं रिज़ल्ट दिखाऊंगी आपको कि हमारी सॉयल ये हमारी कंपोस्ट कैसे तैयार हो जाती है। अब मैं फिर दिखाती हूँ आपको कि ये बोतल हमारी बहुत नीचे चली गई है। आप देखेंगे 5 दिन की ये हमारी अपडेट है, 5 दिन के बाद ये हमारी बोतल है, जो ये बोतल है वो सब नीचे चली गई है। हमारा जो ये वेस्ट मटेरियल था, किचन वेस्ट था। और आज मैंने ये पत्ते कटिंग की थी थोड़ी सी, जैसे मेरे पास ये मनी प्लांट जो उसमें लगा हुआ है वृक्ष की टहनी में, उसने बहुत बड़े बड़े पत्ते निकाले हुए थे, वो कटिंग की है। ये सभी चीज़ें अब मैं फिर डाल दूँगी इसमें और फिर उसके बाद ये बिल्कुल कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। उसी तरह आप जैसे पहले आपने लेयर बना के डाली थी। हाँ, एक बात है कि आप इसमें सॉयल ज़रूर मिक्स कर दें। अगर हम अपने डस्टबिन में देखते हैं तो स्मेल आनी शुरू हो जाती है, वही कचरा होता है किचन वेस्ट का। पर जब हम सॉयल मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा काउडंग डाल के, तो उसमें स्मेल आना बंद हो जाती है। ये आप ज़रूर कर दें। इस छोटे से मटके में मैंने 2 महीने पहले यही वेस्ट मटेरियल डाल के तैयार किया था, तो वो आप देख रहे हैं कि उसका रिजल्ट बिल्कुल, अभी पत्ते हैं थोड़े थोड़े बीच में, पर उसने अच्छी खाद बनानी। इसको अब मैं अब धूप में सुखा के और मैं अपने काम में ले सकती हूँ। ये बिल्कुल अब डीकम्पोस्ट हो चुकी है। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक का बटन भी दबा दें और साथ के साथ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और कोई भी